तो यहाँ पर जाकर के अपनी जो भी फॉर्मर कलीग है सभी को जो है इन्वाइट करेंगी, तो चलते हैं इनके साथ। तो मम्मी आ गए जी अपने कर्म भूमि, जो उनका कर्म भूमि था, और यहाँ पर सभी को न्योता दे दिया गया है एक साथ। अक्रियांश को हजारों बार लाखों बार आशीर्वाद। बोल रहे थे पुरानी बातें ताजा हो रही है। ज्ञान छत पे जाने के लिए रो रहा था, दादी आ गई है तो दादी के साथ छत पे जा रहे। धूप में छत पे जाएगा क्रियांश। कितना धूप है देखो क्रियांश छत पे। बाबू क्रियांश छत पे धूप है। शुगा क्रियांश छत पे आ गया है। कितना धूप है क्रियांश देखो, ऐसे कैसे चल रहा है। गर्मी लगेगा वो अपने भागेगा। छत दीपावा लगेगा ना। कितना धूप है देखो, आ रहे हो इधर आ इधर। इसको जलता नहीं है इसका, ये कितना गर्म है देखो। चलो नहीं नहीं रूम में ही चला के आया है जात पे घूमने। बाय बाय क्रियांश, बाय बाय। देखे अभी क्रियांश स्टार को पकड़ लिया था, चोर ही नहीं रहा था फिर पकड़ने के लिए कैसे कर रहा है चल रहा पकड़ने के लिए तोड़ देगा ना। एक बार हम लोग डांट सुने तुम्हारे बाबा से तार तोड़ने पे, इस बार तुम सुनेगा। हम लोग तोड़े थे, खुशी से लग रहा है इसका। इस बार तुम तोड़ोगे तो तुम बात सुनोगे। खुशी है उस तार तोड़ने से। टूट जाएगा बाबा, पीटेंगे क्रियांश तुमको। तुमको तो नहीं है पीटेंगे। चल 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 रे मां भागी। नहीं अब नहीं, अब नहीं, चल चल धूप है बेटा, चलो चलो चल। चोट लगता ना। तो यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ और इधर प्रियांश जो अपनी चाची का साथ बिजी है टीवी देखने में, और एल्बम क्योंकि हमने वॉइस को कर दिया है म्यूट, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और जब रितु और मोनू सोए हुए थे ना तो तीन चार बार आया गेट में डंग 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 डंग, और जब पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही होगी तो रितु नहीं खोली तो रो रहा था सर पटक के, सर पटक पटक के ना गेट में रो रहा था। तो रितु थी और रितु के साथ यहाँ लगा हुआ है। इसको ना मुझे समझ नहीं आता है कब कौन चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आता है। कभी तो दादी चाहिए, कभी चाची चाहिए, कभी चाचा चाहिए, कभी बाबा चाहिए, अलग अलग टाइम में इसको सब चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता कब। वैसे आप लीजिए नहीं आएगा। चला चला इसको सबके लिए प्यार है अलग अलग तरीके से। प्रियांश चला गया डैडी के पास, डैडी आ गए कोर्ट से और इधर बना रही है रितु चाय। तो इधर रितु चाय बना रही है डैडी के लिए, तो हम सोचे हम भी पी लेते हैं आज बहुत दिनों बाद। यहाँ पे मेरे और रितु के लिए चाय बन रहा है क्योंकि और कोई है ही नहीं घर में। मोनू और माँ दोनों गए हैं कार्ड देने के लिए, और पति देव गए हैं जो छोटा बड़ा काम है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कुछ कुछ बच गया है तो वही सब करवाने के लिए, तो कोई है ही नहीं। तो ये है हमारा चाय, बहुत दिनों बाद बहुत मजा आ रहा है। उधर रितु प्रिय चाय, जैसे हम लोग चाय लिए तैसे ही माँ आ गए। वैसे कोई नहीं था, वैसे माँ फिर चली जाएंगे तो माँ को चाय बना के दे देंगे, फिर माँ चली जाएंगे। प्रियांश तुम्हारी बहन है, देखो बगल में है, झूला कर लो। इसका सारा बाल नोच लिया है देखो, रियल में बहन वाला जो है भाई वाला काम करता है, सारा बाल नोच लिया इसका। देख लो बाल नोच के खुद गुस्सा हो गया। ये देखिए प्रियांश को, देखो क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है प्रियांश।
ये देखो नहीं इनके था ना। संभल के क्रियान संभल के। सही सपोर्ट पकड़ लिया। बेचारा चलना जो सीखा है चलने की कोशिश कर रहा है। आ गया यहाँ तक आ गया। चलो चलो तभी बहुत देर चला। तो क्रियांश बहुत ज्यादा थका हुआ है लेकिन जैसे ही यह घूमता हुआ देख लेता है बेचारी की सारा थकावट खत्म हो जाता है। खेलने के अनबैलेंस होकर गिरता है। ये देखिए ऐसे नहीं पूरा घुमा उसको। ये देखो ऐसे। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मेरा बेटा जो है यहाँ पे गेट खोलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसको जाना है बाहर। हाँ देख पिछले 10 मिनट से कोशिश कर रहा है गेट खुल जाए। बेटू पापा ऊपर लगा दिए हैं देखो नीचे वाला तो खोल लिया। क्रियांश ने खोल लिया है। खुल गया आपसे? हाँ खुल गया। बेबी नहीं खुलेगा ऊपर पापा लगा दिए हैं इस बार। ऊपर लगाए पापा? कोई फायदा नहीं खोल के। क्रियांश सो करके उठ गया। राधे राधे उसको अपना वो चाहिए। क्या पांडा वाह फिर सो गया इसके ऊपर। प्यार करेगा उठते ही से अपने पांडा को प्यार करता है ये। ओह पांडा महाराज ये देखो कितना प्यार करता है क्रियांश। मुझे भी नहीं करता वही क्रियांश। उठते हैं टीवी भी देख रहा है ये। वाह भागा उधर। ओए क्रियांश उसको गिराएगा नारियल का डब्बा जो है। ओए क्रियांश फेंको नीचे उसको। बस तो क्रियांश तो सो के उठ गया है और इधर देख सकते हैं ये पांडा को पीटूंगी पीटूंगी लो ये पांडा को पीटूंगी मैं ये पांडा को पीटूंगी मैं तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और देख सकते हैं हम एकदम तैयार हैं। जी हाँ तो हम तैयार होकर के जाने वाले हैं अपनी मम्मी के साथ। मम्मी की जो भी कलीग है उन सभी को इनवाइट करने के लिए अपने बेटे के जन्मदिन के लिए। और क्रियांश फिलहाल वहाँ पर उठ चुका है और खेल रहा है अपनी मम्मी के साथ दादा दादी के साथ। कुछ छोड़ दीजिएगा इनके लिए भी इनको देना होगा तो मोनू को बहुत सारा रखा हुआ है। ठीक गाड़ी ले आए तो फिलहाल हम लोग आ गए हैं जी कोलासी के सरकारी स्कूल जहां पर मम्मी ने जो है लगभग 20 साल ड्यूटी किया है। तो यहां पर जाकर के अपनी जो भी फॉर्मर कलीग है सभी को जो है इनवाइट करेंगी। तो चलते हैं इनके साथ। मम्मी आ गए जी अपने कर्म भूमि जो उनका कर्म भूमि था और यहाँ पर सभी को न्योता दे दिया गया है एक साथ। कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए। सौ बार प्रणाम शाश्वत क्रियांश को हजारों बार लाखों बार आशीर्वाद।
धन्यवाद। जुग जुग जिए, हजारों साल जिए मेरा बेटा। आपको तार क्या, सोनू को तो इतना छोटा इतना सुंदर था सोनू, अभी बाबू का फोटो देख के लगता है क्या सोनू वही वही याद पड़ जाता है। नवीन भैया का गोदी में देख के लगता है गोदी ले लो। पोते का जन्मदिन तो एक बहाना है, सबसे मिलना सबसे बड़ी मिलना सबसे बड़ी बात है। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो अपने परिवार स्टाफ है, मेरा परिवार है, इतना अच्छा। जब मैं देखती हूँ तो अपने आप को मैं बहुत निहाल समझती हूँ। अब देखते हैं कब तक ईश्वर हमारा साथ रखते। तो जी यहाँ पर तो सभी को इनविटेशन दे दिया, जितने भी मम्मी के कलीग थे, अब यहाँ से चल रहे हैं दूसरे स्कूल, तो वहाँ चलते हैं रानी पत्रा, वहाँ भी ढेर सारे स्टाफ है, तो वहाँ भी मजा आने वाला है, तो चलते हैं। काफी अच्छा लग रहा है सभी आंटी से मुलाकात करके, बहुत छोटे से ही और कई सालों से सभी से अपना रिलेशन है, और अपने बेटे के जन्मदिन के बहाने ही सभी से मुलाकात हो गई, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं सीधा अब यहाँ से। बोलना चाहेगी तो बता। आज दीदी आई है निमंत्रण देने, उसके पोता का है बर्थ जन्मदिन वो हम लोगों को जाना है, एकदम जाएंगे गर्ल फोर्स के साथ जाएंगे। अच्छा, ये स्वागत है बेटी का, मां बेटा का, दादी सब बहुत खुश है। ये सब लीजिए, इसको फ्री कीजिए। ये कहना चाहते हैं कि पोता का जन्मदिन तो एक बहाना है, इसी बहाना हम लोग आते हैं, मिलते जुलते हैं, इन लोग से मिलते हैं तो मुझे अपना अति प्यार आता है, और मिलने से हम अपने को निहाल समझते हैं, भगवान तब तक हमको साथ देते हैं, इसी का इंतजार। चलिए दीदी, हम लोग का उतारा बढ़िया पुरानी बातें ताजा हो रही है। अभी टिफिन का समय हुआ है, बच्चा खाना खा रहा है, स्थिति देख ही रहा है, प्रधान अध्यापक है, उनको क्या दिख रहा है, हम झेल के निश्चिंत हो गए। चलिए जी, यहाँ भी सभी को आमंत्रण दे दिया, और अब इसके बाद जो है सीधा चलते हैं घर। शोर भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, सीधा चलते हैं।